जी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप लोग के 2-4 दिन पहले एक रिक्वायरमेंट आई थी NCL इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो आप लोग का एक अप्रेंटिस बेसिस पे शायद वो वैकेंसी आई थी। तो मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग का अप्रेंटिस का क्या काम होता है, बट मैं इस वीडियो में आप लोग का जो इंजीनियरिंग जो नॉर्दर्न कॉल फील्ड लिमिटेड में जिसकी भी जॉब लगी, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड पे जॉब लगे, चाहे JEE के फील्ड पे, चाहे आप लोग नॉन टेक वाले हो या अदर पोस्ट पे आप लोग अगर जॉब लग रहा है, ठीक है, अगर इस कॉल फील्ड में तो कौन सी पोस्ट या क्या काम होती है, एक्चुअली मैं आप लोग को ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा अपने अकॉर्डिंग। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग न्यू हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जाइए, वहाँ पे कई सारे आपके मित्र मिलेंगे, तो वहाँ भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ और भी हो तो आप लोग वहाँ भी डिस्कशन कर सकते हैं, या आप कोई भी जॉब अपडेट या कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, चाहे नॉर्दर्न कॉल से कॉल फील्ड लिमिटेड से हो या कोई और भी हो, सो मैं आप लोग को तुरंत इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अवेयर करने की कोशिश करूँगा। सो आप लोग बेल आइकन दबा के ज़रूर रखना गाइस, ठीक है, ताकि कुछ भी जॉब रिक्वायरमेंट हो या कुछ और भी अपडेट हो तो मैं आप लोग पास तुरंत दे सकूँ, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर, और बेसिकली मैं आप लोग को आप लोग इमेज से देख ही सकते हैं कि क्या काम है यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये कुछ आप लोग को इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। बेसिकली मैं पहले आप लोग को बता दूं कि ये मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि अप्रेंटिस वाले का इसमें क्या लगती है काम। देखो गाइस, अप्रेंटिस वाले का काम जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक नॉर्मल आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। अप्रेंटिस मतलब आप समझ लीजिए आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाना कि कौन सा काम कैसे होता है, ठीक ना। अब देखो कॉल में क्या होता है कि माइनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब वहाँ पर आप लोग को इसके बारे में आप लोग को एक क्या कहते हैं ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे काम करना है। सो आप लोग अगर अप्रेंटिस में में अगर आप लोग का जॉब लग रहा है, ठीक है, सो आप लोग को यही सब काम करवाया जाएगा, ठीक है, कि कैसे देखो यहाँ पे कैसे ये इस कॉल को कैसे इसमें रखना है, ठीक है, आपको इस जो गाड़ी के बारे में पूरा मतलब जो ये गाड़ी कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, ठीक है, कैसे मतलब उसको यहाँ से इस पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक छोटा मोटा काम देती है जो अभी आप लोग को रिक्वायरमेंट आए। यही अगर आप लोग को JEE का लगे या इंजीनियरिंग बेसिस पर लगे, थोड़ा सा वेरियस का पोस्ट हो जाती है, ठीक है। सो उसमें आप लोग को बेसिकली क्या काम हो जाती है गाइस, सो इसमें आप लोग अगर JEE हो, आप इंजीनियरिंग सर्विस हो, तो आप लोग को एडवाइस देने की काम होती है, ठीक है। पहले आप लोग को अगर लगेगा तो ट्रेनिंग तो फिक्स है, 100% ट्रेनिंग होगा, बट वहाँ पे आप लोग का JEE के लिए पोस्ट पे या आप लोग इंजीनियरिंग सर्विस के पोस्ट पे आप लोग को लग रहे हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ एडवाइस के तौर पे आप लोग को मतलब एक तरीके रखा जाता है। आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को एडवाइस देना है, चाहे आप लोग अपने से जूनियर को कि कैसे काम करना है, कैसे काम लेना है, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ है, आप लोग को हाथ से खुद से ये करना नहीं, करवाना है, ठीक है, सो लगता है, ठीक है। बेसिकली जो जो आप बात बात करें ITI हो या अदर कोई हो, ठीक है, उन लोग से काम लेना होता है, ठीक है। और यही आप लोग का अदर पोस्ट है, जैसे आप लोग मैं बताया था इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने बोला था कि आप लोग अगर ये नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से है तो 100 ऑफिशियल काम होता है, जो लिखा पढ़ी वाला जितना भी काम होता है, सो आप लोग ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं नॉर्दर्न, आप लोगों का कुछ यही है, ठीक है, मेन गेट, बाकी अंदर जो उनका ये है आप लोग जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। सो कुछ आप लोग के अप्रेंटिस पे यही सब काम लगते हैं, JEE का और जो है ये सारा। हाँ, JEE वाले को भी आप लोगों को काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है, माइनिंग में जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कोई मित्र है या आपका कोई रिलेटिव है तो आप लोग पूछ सकते हैं, JEE भी जाते हैं, AE भी जाते हैं, जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, जाते हैं, बट जो काम बेसिकली करते हैं वो आप लोग को जो ITI वगैरह के लिए हैं वो लोग स्पेशली फॉर इसका काम वगैरह करते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, उसको इसको था कि यहाँ से कैसे डालना है, मतलब हाथ से नहीं और एक मशीन के थ्रू, ठीक है, जो आप लोग पढ़े भी होंगे और मेटल हैंडलिंग पढ़े भी होंगे, ठीक है। सो बेसिकली वहाँ से आप लोगों को कुछ यही सब काम मिलते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा पाया हूँ, ठीक है, बेसिकली, क्योंकि बहुत बचा गया, एक मन में डाउट होता है यार कि वैकेंसी में यार कौन सा काम करवाएगा मुझसे, तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है, कुछ यही सब काम आप लोगों को करवाएगा, ठीक है, और कुछ बड़ा काम नहीं करवाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। थैंक यू।